गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्क्वायर रूट्स। अभी तक हमने स्क्वायर्स के बारे में पढ़ा है, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्क्वायर रूट्स के बारे में। तो वी नो दैट द नंबर 4, 25, 64, 100, 121 एक्सेट्रा आर ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स। तो हमें पता है कि ये सभी जो नंबर्स हैं वो क्या हैं? सभी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। दैट इज़ 4 इज़ द स्क्वायर ऑफ 2, 25 इज़ अ स्क्वायर ऑफ 5, 64 इज़ अ स्क्वायर ऑफ 8 एंड 100 इज़ अ स्क्वायर ऑफ 10, 121 इज़ अ स्क्वायर ऑफ 11 एक्सेट्रा। वी कैन से दैट 2 इज़ आर स्क्वायर रूट ऑफ 4। हम ये कह सकते हैं कि जो 2 है वो किसका? 4 का स्क्वायर रूट है। 5 जो है वो 25 का स्क्वायर रूट है। 8 जो है वो 64 का स्क्वायर रूट है। 10 जो है 100 का स्क्वायर रूट है, और इसी तरह सो ऑन। Thus the square root of a given number n is that number which when multiplied by itself gives n as the product। तो हम कह सकते हैं कि जो square root होती है किसी भी number n की, अगर हम उसको क्या करें, उस number से खुद से multiply करें, तो हमें n मिलता है product में। किसमें? product के form में क्या मिले? n मिले, तो उसको हम square root कहते हैं। तो it is denoted by the symbol e। इसका सिंबल क्या होता है? ये ऐसे करके ऐसे, इसको हम क्या बोलते हैं? अंडर रूट। क्लियरली रूट 4 इज़ इक्वल टू 2, रूट 9 इज़ इक्वल टू 3, रूट 16 इज़ इक्वल टू 4 एंड रूट 25 इज़ इक्वल टू 5 एंड सो ऑन। अब हम देखेंगे कि हम किस मेथड का यूज़ करके स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेथड फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर रूट फाइंड करने की जो मेथड्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर विच आर एज फॉलो। ठीक है, दो टाइप की मेथड होती हैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की, जो इस तरीके से दी गई हैं। पहली कौन सी दी गई है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरी दी गई है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही पढ़ेंगे स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसमें हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन से किसी भी स्क्वायर की स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है। तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर बाय दिस मेथड वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करनी है तो हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? रिजॉल्व द गिवन नंबर इनटू प्राइम फैक्टर्स। हमें जो नंबर दिया गया है उसको किस में रिजॉल्व करना है? प्राइम फैक्टर्स में। किस में रिजॉल्व करना है? प्राइम फैक्टर्स, मतलब उसको कन्वर्ट करके प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करके लिखना है। नंबर सेकेंड, मेक पेयर्स ऑफ सिमिलर फैक्टर्स, और हमें क्या करना है? पेयर बनाने हैं सिमिलर फैक्टर्स के। किसके पेयर बनाने हैं? सिमिलर फैक्टर्स के। स्टेप नंबर 3, टेक द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स चूजिंग वन फैक्टर आउट ऑफ एवरी पेयर। अब हमें क्या करना है? प्रोडक्ट निकालना है प्राइम फैक्टर्स का, और जो कि प्रत्येक पेयर में से सिर्फ हमें एक फैक्टर निकालना है। दो का पेयर बनेगा, दो में से सिर्फ हमें कितना सेलेक्ट करना है? एक। कितना? वन। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 576। हमें क्या करना है? 576 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले, जैसा कि हमने देखा है कि हम सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स में इसको रिजॉल्व करेंगे। तो 576 के ये हमने फैक्टर्स निकाले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 576 को सबसे पहले हमने 2 से किया तो 288 आया, फिर 2 से किया तो 144 आया, फिर 2 से किया तो 72, फिर 2 से किया तो 36, फिर 2 से किया तो 18, फिर 2 से किया तो 9, फिर 3 से किया तो 3 और 3 से किया तो 1। अब हम क्या करेंगे? इनकी पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे। तो हम देखेंगे ये दोनों एक पेयर बना रहे हैं, ये दोनों एक पेयर बना रहे हैं, ये दोनों एक पेयर बना रहे हैं, और ये दोनों एक पेयर बना रहे हैं। अब हमने पेयरिंग कर दी। अब इसके बाद हमें पता है कि प्रत्येक पेयर में से हमें कितना नंबर निकालना है? एक। तो इन दोनों टू में से कितना आएगा? एक टू बाहर आएगा। इन दोनों टू में से एक टू बाहर आएगा। इन दोनों टू में से एक टू बाहर आएगा, और इन दोनों थ्री में से एक थ्री बाहर आएगा। तो हमने देख दिया कि बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट, हमें इसके फैक्टर्स कितने मिले? इतने इतने। ठीक है, इसके बाद हमने इसकी स्क्वायर रूट निकाली। तो हमने क्या किया? इन दोनों पेयर में से हमने देखा, जैसे कि यहाँ से एक टू लिख दिया, फिर इन दोनों में से एक टू यहाँ लिख दिया, फिर इन दोनों टू में से एक टू यहाँ लिखा, फिर इन दोनों थ्री में से एक थ्री हमने यहाँ लिख दिया। अब हम आपस में इन सब का क्या कर देंगे? मल्टीप्लिकेशन। तो इन सबको मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला हमें? टू टू ज़ा फोर, फोर थ्री सॉरी फोर टू ज़ा एट, एट थ्री ज़ा कितना आ गया? 24। कितना आ गया? 24। तो हम कह सकते हैं कि जो स्क्वायर रूट होता है 576 का वो कितना होता है? 24। कितना होता है? 24।
4। ठीक है, फिर बारी आती है एग्जांपल नंबर 12 की। तो एग्जांपल नंबर 12 में दिया गया है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 46,656। अब हमें क्या करना है, 46,656 के स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर्स निकालेंगे इस तरीके से। तो 46,656 को हमने 2 से किया तो हमें आंसर कितना मिला, 23,328। फिर 2 से किया तो 11,664। फिर 2 से किया तो 5,832। फिर 2 से किया तो 2,916। फिर 2 से किया तो 1,458। फिर 2 से किया तो 729। फिर 3 से किया तो 243। फिर 3 से किया तो 81। फिर 3 से किया तो 27। फिर 3 से किया तो 9। फिर 3 से किया तो 3। फिर 3 से किया तो 1। अब फिर सेम हमने जैसे पहले क्वेश्चन में किया था वैसे इसमें करेंगे कि दो दो के पेयर बनाएंगे। ये हमने पेयरिंग कर दी इनकी, ठीक है, पेयरिंग की, यहाँ हमने लिख दिया पेयरिंग करके। अब हमें पता है इन दोनों टू में से एक टू बाहर निकल के आएगा, इन दोनों में से एक टू, इन दोनों में से एक टू, इन दोनों थ्री में से एक थ्री, इन दोनों थ्री में से एक थ्री, और इन दोनों थ्री में से एक थ्री। ठीक है, अब हमने क्या किया, इनका मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किया तो यहाँ देखेंगे हम 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा कितना होता है, 24 3 ज़ा होता है 24 3 ज़ा 72 हुआ, 72 3 ज़ा कितना हो गया, 216। तो हम कह सकते हैं कि 46,656 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, 216। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच 1100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें एक ऐसा लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिससे हम 1100 को मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट मिले वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेंड। और जो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिला है उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम स्प्लिट करेंगे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 1100 को। तो इसके फैक्टर्स निकाले हमने कितने आए, 1100 को 2 से किया 550, फिर 2 से किया तो 275, फिर 2 से किया तो 55, सॉरी फिर 5 से किया तो 55, फिर 5 से किया तो 11, ठीक है, फिर 11 से किया तो 1। अब हम देखेंगे इनका पेयरिंग करेंगे तो ये दोनों तो पेयर में है, ये दोनों भी पेयर में, लेकिन ये जो 11 आ रहा है वो पेयर में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब इसका पेयर हमें देखना है। तो हम लिखेंगे क्लियरली देयर इज़ नो प्राइम फैक्टर टू फॉर्म अ पेयर विद 11। 11 से सात पेयर बनाने के लिए कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं, इसीलिए सो वी मस्ट मल्टीप्लाई द गिवन नंबर बाय 11। तो हम क्या करेंगे, इस गिवन नंबर को किससे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ही अकेला अनपेयर्ड है। अब जो अनपेयर्ड बचता है उसी से हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो हम देखेंगे कि थर्स द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना आ जाएगा, 1100 मल्टीप्लाई बाई 11 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12,100। ठीक, इसके बाद हम 12,100 के क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। देखो इसके ये फैक्टर्स तो इतने रहेंगे ही, इतने फैक्टर्स तो इसके रहेंगे, सिर्फ इसमें क्या एक 11 और बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, एक 11। तो हमने यहाँ लिख लिया 2 × 2 × 5 × 5 × 11 × 11। अब इन दोनों टू में से एक टू बाहर निकल के आएगा, इन दोनों फाइव में से एक फाइव, और इन दोनों 11 में से एक 11 बाहर निकल के आएगा। ठीक है, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 5 ज़ा 10 10 11 ज़ा 110। तो हैंस द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज 110। कितना आएगा, 110। तो हम कह सकते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर बना था, परफेक्ट स्क्वायर मतलब कौन सा, 12,100, तो इसका जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा वो कितना आएगा, 110। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, तो फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द वाई ईच ऑफ द नंबर 6 9 15 एंड 20। हमें एक ऐसा लीस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा किससे, 6 9 15 और 20 से। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेंड। अब जो स्क्वायर नंबर आएगा हमें उसकी स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाई ईच वन इज ऑफ 6 9 15 एंड 20 इज देयर LCM। जो लीस्ट नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 6 9 15 और 20 से, वो क्या होगा, उनका LCM।
क्या होगा एलसीएम। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, 6, 9, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा 180। ठीक है, इसका एलसीएम आ गया 180। अब इसके बाद हम 180 के क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी गेट, अब हम इसके फैक्टर निकाले, 180 को 2 से किया 90 आया, फिर 2 से किया तो 45, फिर 3 से किया तो 15, फिर 3 से किया तो 5 और 5 से किया तो 1। तो हम देखेंगे कि ये दोनों तो पेयर में आ रहे हैं लेकिन ये 5 जो है वो पेयर में नहीं आ रहा है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम देखेंगे, अब हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर कितना हो गया, 180 × 5 मतलब 900, कितना हो गया 900। अब इसके बाद हमें इसकी स्क्वायर रूट भी निकालनी है। तो हमें पता है कि 900 के ये पांचों फैक्टर तो होंगे, बस इसमें एक 5 ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा, 5। ठीक है, तो यहाँ इसके फैक्टर्स लिखे हमने। अब हमें पता है इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर निकल के आएगा, इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर निकल के आएगा, और इन दोनों 5 में से एक 5 निकल के आएगा बाहर। ठीक है, तो इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो 2, 3 6, 6, 5 जो कितना आ गया 30। तो इस नंबर का जो स्क्वायर रूट आया वो कितना आ गया 30। ठीक है, यहाँ हमारी फर्स्ट मेथड कंप्लीट होती है, कौन सी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ स्क्वायर रूट। अब इसमें अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो बेटा तो पूछ लो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।